कृष्णात् कीर्तन गान नर्तन परं प्रेमामृताम्भोनिधि कृष्णात् कीर्तन गान प्रेमामृताम्भोनिधि धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरौ पूजितौ प्रिय करो निर्मत्सरौ पूजितौ श्रीकृष्ण श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावहन्तारतो श्री चैतन्य कृपा भुवि भुवो भारावहन्तारतो वन्दे रूपसनातनं रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनं रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ नानाशास्त्रविचारणैकनिपुणौ सद्धर्मसंस्थापकौ कनिपुणौ सद्धर्मसंस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकरौ त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्तालिकौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ श्रीगौराङ्गगुण अनुवर्णनविधौ श्रद्धा समृद्ध्यान्वितौ श्रीगौराङ्गगुणान् श्रद्धा समृद्ध्यान्वितौ पापोत्तापनिकृन्तनौ तनुभृतां गोविन्दगानामृतैः तनुभृतां गोविन्दगानामृतैः आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणौ कैवल्यनिस्तारकौ आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणौ कैवल्यनिस्तारकौ सारतो वन्दे रूपसनातनं रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छव सदा तुच्छव भूत्वादीन गणेशकौ करुणया कौपीन कन्थाश्रितौ गोपी भावरसामृताब्धि लहरी कल्लोलमग्नौ वन्दे रूपसनातनं रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनं रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ जत कोकिल हंस सारस गणकीर्ण मयूराकुले कोकिल हंस सारस गणकीर्ण मयूराकुले नाना रत्न निबद्ध मूल विटपा श्रीयुक्त वृंदावने नाना रत्न निबद्ध मूल विटपा श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ जीवार्थदौ यौ मुदा राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ जीवार्थदौ यौ मुदा वन्दे रूपसनातनं रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनं रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ संख्यापूर्वक नाम गान नटिभिः कालावसानि कृतौ कालावसानि कृतौ निद्राहार विहार कादि विजितौ चात्यन्तदीनौ च यौ निद्राहार विहार कादि विजितौ चात्यन्तदीनौ च यौ राधा कृष्ण गुणास्मृतेर्मधुरिमा आनन्देन सम्मोहितौ कृष्ण गुणास्मृतेर्मधुरिमा आनन्देन सम्मोहितौ वन्दे रूपसनातनं रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनं रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ राधा कुण्ड तटे कलिन्दतनया तीरे च वंशीवटे राधा कुण्ड तटे कलिन्दतनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवशादशेषदशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा प्रेमोन्मादवशादशेषदशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरं भावाभिभूतौ मुदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरं भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूपसनातनं रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनं रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ राधे व्रज देवी के चललिते हे नंदसूनो कुतः देवी के चललिते हे नंदसूनो कुतः श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिंदी वन्ने कुतः श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिंदी वन्ने कुतः घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे हे दैर्महाविह्वलौ घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे हे दैर्महाविह्वलौ वन्दे रूपसनातनं रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनं रघुयुगौ जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोतर्षदशी श्रीमद भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोतर्षदशी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जाए। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जाए। वृंदावन मथुरा धाम की जाए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। चिडा दधि महोत्सव की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपतापस्वामिने। ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त शेष शून्यवादी पाश्चात्य दर्शन। आज पानीहाटी महोत्सव, चिड़ा दधि महोत्सव के उपलक्ष्य में हम श्री चैतन्य चरितामृत से कृष्ण दास कविराज गोस्वामी द्वारा इस संदर्भ में जो इस महोत्सव का वर्णन है वो उसका कुछ पाठ करेंगे और उसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी षड गोस्वामी में से एक गोस्वामी हैं। अभी हमने जैसे जो गान गाया, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम, तो गोस्वामीगण वो बहुत ही धनवान कुलवान ऐसी पृष्ठभूमि से आए थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से वो सभी भौतिक ऐश्वर्य को छोड़कर दीन, अत्यंत दीनता को उन्होंने स्वीकार किया। किस लिए? गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी, गोपी भाव में के रस का आस्वादन और वितरण करने के लिए, जिसके द्वारा स्वाभाविक रूप से ये भौतिक जगत का ऐश्वर्य तुच्छवत, तृणतुल्य हो जाता है। तो उसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे। और शांतिपुर में सर्वप्रथम वो चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई थी और तभी से उनके मन में तीव्र इच्छा थी कि वो अपना जीवन चैतन्य महाप्रभु की सेवा में समर्पित करें। किंतु उनके मार्ग में बहुत सारे विघ्न आए। उनके माता पिता बहुत धनवान भी थे, बहुत प्रभावशाली भी थे, इसलिए उन्होंने अनेक प्रकार से यत्न किया कि रघुनाथ घर छोड़ करके ना जाए। तो ये हम में से भी कई लोगों के साथ हुआ है। हमारे में से एक बंधु के साथ बड़ी तीव्रता से हो रहा है। तो अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि अक्सर क्या हमेशा ही होता है, जब भी कोई जीव भगवान की शरण ग्रहण करने जाता है तो माया उसको बहुत प्रकार से उसके मार्ग में विघ्न डालती है। कैसे उन विघ्न से हम निकल सकते हैं, इसका एक बहुत अच्छा इस सिद्धांत का इसका उत्तर हमें ये जो चिड़ा दधि महोत्सव है उससे प्राप्त होता है। सभी विघ्नों को पार करने का तरीका क्या है? तो हम श्लोक पाठ करेंगे और देखेंगे किस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बड़े जो विघ्न उनके रास्ते में आ रहे थे, कैसे उसको वो पार कर पाए। पूर्वे शांतिपुरे रघुनाथ यबे आइला, महाप्रभु कृपा करी तान रे सिखाइला। जब पहले शांतिपुर में रघुनाथ मिले चैतन्य महाप्रभु से, तब महाप्रभु ने उनको ऐसा सिखाया। प्रभुर शिक्षा ते तेनो निज घरे आए, मरकट वैराग्य छाड़ी हैला विषयी प्राय। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से वो अपने घर गए, मरकट वैराग्य को छोड़कर सामान्य एक विषयी की तरह से उन्होंने जीवन जिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला था, तभी वो चाहते थे कि तुरंत चैतन्य महाप्रभु के साथ जुड़ जाएं, घर नहीं जाएं शांतिपुर में। लेकिन उस समय चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अभी उपयुक्त समय नहीं है, इसलिए अभी जो वैराग्य है वो पूर्ण रूप से नहीं है, तो अभी तो आप घर जाओ और बाहर से एक सामान्य व्यक्ति की तरह से जीवन जियो और अंतःकरण में मेरा स्मरण करो, ऐसी शिक्षा उनको दी थी। तो ऐसा भी होता है कि जो प्रचारक है, गुरुगण हैं, उनको देखना होता है कि कोई व्यक्ति जो इस तरह से भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहता है, क्या वो जो वैराग्य है, जो आवश्यक वैराग्य है उसके लिए, वो वास्तव में स्थिर है या नहीं। क्योंकि अन्य प्रकार का वैराग्य भी होता है, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य, ऐसे भी वैराग्य हैं, परिस्थिति जन्य है। वो कुछ परेशानी हुई और उस परेशानी के कारण हमें कुछ वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, हाँ संसार सब बेकार है ना, शमशान में जैसे सब बातें करते हैं। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा एग्ज़ाम आते हैं तो उनको वैराग्य आता है, विवाहितों को विवाह के तुरंत बाद वैराग्य आता है। तो ऐसे कुछ ये शमशान वैराग्य हैं, कुछ तुरंत आने वाले, लेकिन उसका समय के आधार पर परीक्षण होना ज़रूरी है कि वो वैराग्य कितना लंबा टिकता है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उस समय कहा कि अभी तो आप घर जाइए, लेकिन घर जाके क्या कीजिए, ऐसा नहीं घर जाके बिल्कुल सामान्य व्यक्ति तरह से काम कीजिए, तो फिर वैराग्य उत्पन्न आगे होएगा ही नहीं। तो अंतःकरण में हमेशा कृष्ण का स्मरण कीजिए। तो कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हमें बाहर से, हाँ हम आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारे हृदय के अंदर है कि हमें भगवान की शरण लेनी है, लेकिन अभी हम बाहर से दिखाएंगे तो फिर हमें कोई भक्ति करने नहीं देगा। तो थोड़ा डुप्लिसिटी तो है भक्ति में। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अंदर से मेरा स्मरण करो, बाहर से सामान्य व्यक्ति की तरह से रहो। लेकिन ये जो डुप्लिसिटी है, ये अगर भगवान की सेवार्थ है और इसका अप्रूवल अधिकारियों से होना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं। तो इस तरह से उन्होंने किया, तो ये यहाँ पर बताया है। भीतरे वैराग्य बाहिरे करे सर्वकर्म, देखिया तो माता पिता रा आनंदित मन। अंदर से वैराग्य और बाहर से सारे कार्य कर रहे थे, और ऐसा देख करके माता पिता बड़े आनंद में थे। माता पिता तो हमेशा इसलिए आनंद में रहते हैं, कोई बच्चा भौतिकतावादी में पढ़ा रहे तो माता पिता को बड़ा आनंद आता है। मथुरा हईते प्रभु आइला, वार्ता यबे पाइला, प्रभु पाश चली बारे उद्योग करिला। जब मथुरा से चैतन्य महाप्रभु पुरी आ गए, ऐसा समाचार प्राप्त हुआ, तो प्रभु के पास जाने का प्रयास उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो उस समय क्या हुआ था कि जो उनके अंकल थे, चाचा या ताऊ क्या थे, हिरण्यदास ताऊ जी, हिरण्यदास, तो वो किसी पैसे वैसे के मामले में, कुछ एक और व्यक्ति था मुस्लिम, उसके साथ कुछ ईर्ष्या द्वेष की वजह से उनको पकड़ने का बारी आ गई थी तो वो भाग गए थे, तो उनकी जगह पे रघुनाथ दास गोस्वामी को जेल में डाल दिया। तो फिर वो जो रघुनाथ दास गोस्वामी इन्होंने बहुत बुद्धिमान थे, तो युक्ति लगा करके वो जो मुस्लिम था उससे युक्तिपूर्वक बातचीत की। क्या कहा, आमी ऐछे पितार तैछे तोमार बालक, आमी तोमार पाल्य तुमी आमार पालक। अरे आप तो मेरे पिता के समान हैं, मैं आपके बच्चे के समान हूँ, आप मेरे पालक हैं, मैं आपका पाल्य हूँ। पालक हैया पाल्य रताडिते न युयाय, तुम्ही सर्वशास्त्र जान जिनी पीर प्राय, जिंदी जिंदा पीर प्राय। तो पालक होकर के जो पाल्य है उसको दंड कैसे आप दे सकते हैं, तो आप तो सभी शास्त्रों के जानकार हैं, आप तो जीते जागते अवतार हैं, है ना। तो ऐसे फ्लटरिंग किया उनका, ठीक है। तो ये सब भक्ति में ये सब भी हमें करना पड़ता है आवश्यकता अनुसार। इच्छा बोले आजी हईते तुमी मोर पुत्र, आजी छाड़ाई मुथोमा करिए एक सूत्र। तो वो मलेच्छा बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले बोले आज तो मैं तुम्हें आज से तुम मेरे पुत्र हो गए और मैं तुमको छोड़ देता हूँ। तुम्हारा जेठा निर्बुद्धि अष्टलख खाए, आमी भागी आमार किछु दिबार युयाए। वो तुम्हारा जो बड़ा है ना वो निर्बुद्धि है, वो 8 लाख मोहरे जो है वो खुद खा गया, तो मैं भी तो उसका भागी हूँ, उसको बोलो आधा मुझे भी दे, और क्या चाहिए। रघुनाथ आशित बे जेठार मिलाल, म्लेच्छ सहित वश कैला सब शांत हैला। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया कि वो जो उनके अंकल थे उनसे भेंट करा दी म्लेच्छा की, सभी कुछ व्यवस्थित हो गया और मामला निपट गया। फिर इस तरह से 1 साल और बीत गया बाहर से दिखावा करते हुए। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी की फिर दोबारा से तीव्र इच्छा हुई, अभी तो मुझे चैतन्य महाप्रभु के पास जाना ही है। रात्रे उठिए कल चली ल पलाय, दूर हईते पिता तारे आनिल धरिया। रात में उठ करके अकेले वो भाग गए, लेकिन दूर से उनके पिता ने उनको पकड़ लिया, वापस ले आए। एई मते बारे बारे पलाए धरियाने, तबे तानरा माता कहे तानरा पिता सने। और ऐसा फिर बार बार होने लगा, वो बार बार भागते और बार बार उनके पिताजी उनको पकड़ कर ले आते। उनके बहुत सारे सेवक थे, बहुत प्रभावशाली थे, तो भागते और फिर पकड़ के ले आते। ट्रेन और बस वगैरह तो थी नहीं, तो चल के जाते और फिर पकड़ के ले आते। तो माता उनके पिता को बोली, पुत्र बातुल हैल इहाए राखी बांधिया, तानर पिता कहे तारे निर्विण्ण हैया। हमारा बेटा पागल हो गया है, इसको बांध के रख लीजिए। तो उनके पिताजी ने निर्विण्ण एक तरीके से हताश होकर के, ऐसा हताश होकर के, उदासीन होकर के ऐसा बोले। इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरासम, ऐ सब बाधिते नारी नारी लेख यान रमन। इंद्र के समान इसका ऐश्वर्य है, बहुत धनी परिवार से थे, तो बोले इसका ऐश्वर्य है रघुनाथ का इंद्र के समान है, विवाहित थे, स्त्री इसकी अप्सरा के समान है। ये सब इसको नहीं बांध पाया तो ये रस्सियाँ इसको कैसे बांधेंगी। दड़ीर बंधने तानरे राखी बके मते, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाइते। तो दड़ीर बंधन रस्सी से इसको कैसे बांध सकते हैं, तो उसके जो मन है उसको तो नहीं बांध सकते हैं, तो इसलिए रस्सी से तो नहीं बांध सकते हैं। और जो जन्मदाता हैं माता पिता वो किसी के प्रारब्ध को नहीं तोड़ सकते, तो इतनी बुद्धि तो थी उनमें। तो कहते हम तो जन्मदाता हैं, उसका जो भी प्रारब्ध है उसके अनुसार होगा, हम उसे अंततः तो नहीं रोक सकते है ना। तो माता पिता भी अगर धार्मिक हो कम से कम कुछ तो समझेंगे। चैतन्य चंद्रेर कृपा याचीन हारे, चैतन्य चंद्रेर बातुल के राखी ते पारे। इसको चैतन्य चंद्र की कृपा प्राप्त हो गई है। उनके जो अंकल थे वो भी चैतन्य महाप्रभु के प्राकृत भक्त थे, वास्तविक भक्त नहीं थे, प्राकृत भक्त थे। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु के पास जाने में क्यों रोकते। कई ऐसे भी माता पिता होते हैं, भक्त होते हैं लेकिन फुल टाइम नहीं, भगवान की पूरी शरण नहीं, तो फिर कैसे आप भक्त हैं। आपका बच्चा भगवान की सेवा में जाना चाहता है, आप उसको रोक रहे हैं और कह रहे हैं हम भक्त हैं। तो सोचना पड़ेगा कैसे भक्त है। तो प्राकृत भक्त, नियोफाइट डिवोटीज। तबे रघुनाथ किछु विचारिल मने, नित्यानंद गोसाई रपाश चलेला हर दिने। फिर एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने कुछ विचार किया और पास में नित्यानंद प्रभु आए हुए थे, तो नित्यानंद प्रभु के पास में गए। पानीहटी ग्रामे पाइला प्रभुर दर्शन, कीर्तनिया सेवक संगे यार बहुजन। तो पानीहटी एक ग्राम में उन्हें नित्यानंद प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ और वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ में नित्यानंद प्रभु बहुत सारे कीर्तनिया सेवकों के साथ में वहाँ एकत्रित थे। तो गंगा नदी के तट पर ये पानीहट्टी ग्राम है, आज भी है, कलकत्ता के पास में। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु बैठे थे। गंगा तीरे वृक्षमूले पिंडार उपरे, वसिया छेन जेना कोटि सूर्योदय करे। तो वहाँ पर गंगा के तीर पे एक वृक्ष के मूल पे एक चबूतरे के ऊपर नित्यानंद प्रभु बैठे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि सैकड़ों कोटि सूर्य उदय हो गए। उनका इतना तेज प्रकाश था वहाँ। दंडवत हय्य से पड़िला कत दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पहुँचे तो दंडवत प्रणाम किया और सभी सेवकों ने बताया नित्यानंद प्रभु को कि रघुनाथ दंडवत कर रहा है। शूनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आए आए आजी तोरा करी मुँह दंडन। सुनकर के नित्यानंद प्रभु ने कहा, ए चोर, आज तू दर्शन दिया है, आ इधर आ, तेरे को दंड देता हूँ आज। प्रभु बोलाए तेनो निकटे ना करे गमन, आकर्षिया तानरा माथे प्रभु धारिला चरण। तो प्रभु ने बुलाया और वो निकट नहीं आ रहे थे, दूर भाग रहे थे, तो उसको ज़बरदस्ती पकड़ के और उसके माथे के ऊपर अपने चरण रख दिए। कौतुकी नित्यानंद सहज दयामय, रघुनाथे कहे किछु हैया सदय। तो नित्यानंद प्रभु बड़े मजाकिया हैं, सहज दयामय, बड़े सहज रूप में दयामय हैं, है ना। तो इस प्रकार से द्रवित हृदय से, दयापूर्ण हृदय से उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को इस प्रकार से कहा। निकटे नाइश चोरा भाग दूरे दूरे, आजी लाग पाइयाची दंडी मुँह तुम्हारे। हे चोर, निकट नहीं आते हो, भागते रहते हो, आज मैं तुम्हें जरूर दंड देता हूँ। ददी चिड़ा भक्षण कराह मोर गणे, सुनी आनंदित हैला रघुनाथ मने। तो क्या दंड दिया, मेरे सारे जितने भी हैं गण, बहुत सारे थे, नित्यानंद प्रभु के साथ में पूरी बड़ी टोली रहती थी, उन सबको तुम दधी चीड़ा खिलाओ। और ये सुन करके रघुनाथ दास गोस्वामी का मन आनंदित हो गया। सही कृष्ण निज लोक पठाई ल ग्रामे, भक्ष द्रव्य लोक सब ग्राम हैते आने। तो उसी क्षण उन्होंने अपने सारे जो उनके दास थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ में सेवक तो रहते ही थे, उनको पकड़ने के लिए, भागने जाए इसके लिए, और वैसे भी इतने अमीर पिता के पुत्र थे तो हमेशा सेवक गण साथ में रहते थे। तो उन्होंने जो उनके सेवक थे उनको गांव में भेजा और बोला जो भी द्रव्य है, दधी चिड़ा इत्यादि जितना भी भोग्य सामग्री है, सब ग्राम से मंगा लिया। तो इस प्रकार से चिड़ा, चिप्ड राइस, दही, दूध, कर्पूर, घी, केले, केला, ऐसे सब व्यंजन उन्होंने सब ये द्रव्य सब मंगाए। और फिर उन्होंने आदेश दिया कि कुछ ब्राह्मणों को बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन भी लाए गए और उसमें चिड़ा को भिगोया गया दूध में, और फिर उसको कुछ उसमें से जो था उसको दही में और केले के साथ और चीनी के साथ में रखा गया, और दूसरा जो था उसको रबड़ी कंडेंस्ड मिल्क के साथ में और चीनी और घी और कर्पूर और चंपकला, एक विशेष प्रकार का केला। इस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर मधुर व्यंजन ये बनाया गया। और ये सब व्यंजन ओके, फिर वहाँ पर नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना की कि आप बैठें, और नित्यानंद प्रभु के सामने बड़े बड़े मटके रखे गए, वो सब दोनों प्रकार के व्यंजन थे उसमें। और धीरे धीरे सबको बात सारे में फैल गई कि ऐसे ऐसे महोत्सव हो रहा है, और नित्यानंद प्रभु तो जहाँ जाते थे वहाँ मजाक ही मजाक होता था, कीर्तन होता था, और तो सब लोग आ गए वहाँ पर, और सब बेचने वाले भी आ गए कि इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने सबसे खरीद लिया जो भी द्रव्य लाए, और द्रव्य खरीद के उनको बैठा दिया, आप भी खाओ। और इस प्रकार से सब पहले जो चबूतरा था उसके चारों तरफ बैठ गए, फिर और लोग आए और लोग आए और लोग आए, तो जगह नहीं बची, तो कुछ लोग फिर घाट पे चले गए गंगा नदी के किनारे पे, फिर और लोग आए तो कुछ लोग तो पानी में चले गए। तो फिर सबको दो दो मिट्टी के क्या बोलते हैं उसको, कुल्हड़, ऐसा मिट्टी का बर्तन वो दिया, और सभी को इस प्रकार से ये चीज़ दिया। और फिर कई लोग तो गंगा नदी में अपना आप ही चिड़ा भिगा करके खाने लगे, जगह ही नहीं बची वहाँ इतना। तो ऐसे करके ये बहुत सुंदर आनंददायक महोत्सव आरंभ हुआ। तो फिर सभी को दे दिया, लेकिन सभी ने खाना शुरू नहीं किया। ठीक है, शांति, पहले भगवान खाते हैं उसके बाद हम लोग लेते हैं। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने ध्यान में चैतन्य महाप्रभु का मनन किया, और चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित किया, और चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर उपस्थित हुए, आए, और केवल नित्यानंद प्रभु और कुछ लोग ही देख पाए, सब लोग नहीं देख पा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ आए हैं। सकल लोकेर चिड़ा पूर्ण यबेहला ध्याने तबे प्रभु महाप्रभु रे अनिला। जब सब लोग को दे दिया चिड़ा, तो उसके बाद ध्यान में नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को बुलाया। महाप्रभु आइला देखी निताय उठिला तान रे लैया सवार चिड़ा देखी ते लागिला। महाप्रभु जब आए तो नित्यानंद प्रभु उठ गए और उनको लेकर के घूमने लगे, देखने लगे सब लोग कैसे बैठे हैं, सबके पास है कैसे। सकल कुंडीर होलनार चिड़ार एक एक ग्रास महाप्रभु मुख्य दिन करी परिहास। और सबके जो खाने का वो था बर्तन, उसमें से एक एक मुट्ठी लेकर के नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के मुंह में डालने लगे, हंसते हुए मजाक करते हुए। हसी महाप्रभु आर एक ग्रास लैया तार मुख्य दिया खाया या हसिया हसिया। महाप्रभु भी एक एक मुट्ठी लेकर के नित्यानंद प्रभु के मुख में देने लगे। आसन दिया महाप्रभु रे ताहन वसाइला दुई भाई तबे चिड़ा खाइते लागिला। फिर इस प्रकार से अंत में नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को आसन पर विराजमान किया, और खुद भी बैठे, और दोनों भाई वो चिड़ा उनका भक्षण करने लगे। भोजन करी नित्यानंद आचमन कैला, ये मैंने कुछ कुछ श्लोक निकाल के रखे हैं, वैसे तो बीच में और भी बहुत वर्णन है, क्योंकि समय अवधि सीमित है इसलिए। बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं 5वां अध्याय अंत्यलीला। भोजन करी नित्यानंद आचमन कैला चारी कुंडीरावशेष रघुनाथे दिला। भोजन करने के बाद नित्यानंद प्रभु ने आचमन किया, और फिर वो जो अवशेष थे चैतन्य महाप्रभु के जो अवशेष थे वो सब रघुनाथ को दिए। पुष्पमाला विप्र आनी प्रभु गले दिला, चंदन आनिया प्रभुरा सर्वांगे लेपिला। उसके उपरांत पुष्प माला, फूलों की माला विप्रगण लेके आए और प्रभु को माला पहनाई और फिर चंदन का लेप किया। तो ये भी एक सदाचार है जो हमें सीखना है। कभी कभी भक्त जब प्रसाद के लिए बुलाते हैं तो पहले माला अर्पण करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, जब माला पहनेंगे तो प्रसाद उस बाद में, प्रसाद लेने के बाद हाथ धो करके उसके बाद में माला अर्पण और उसके बाद में फिर चंदन, ये तरीका है जब प्रसाद के लिए बुलाएं तो, क्योंकि माला पहन करके प्रसाद लेना इट्स डिफ़िकल्ट। करेक्ट। प्रभु विश्राम कैला जदि दिन शेष होइला, राघव मंदिरे तबे कीर्तन आरंभिला। फिर पास में ही राघव पंडित का भी निवास स्थान है, पानीहट्टी में ही है। तो राघव पंडित भी आए थे वहाँ, सुबह में ही आए थे। तो बोले कि मैंने सारे व्यंजन बना करके वहाँ रखे हैं, आप यहाँ पर हैं, वहाँ कौन खाएगा। फिर तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं तो गोपगण हूँ, मुझे तो ये पुलिन भोजन, ये नदी के तट पर बैठ कर के पिकनिक बनाना अच्छा लगता है, तो आपके यहाँ बाद में आऊँगा, पहले अभी आज तो मैं यहाँ पर लूँगा। तो फिर जब पूरा कार्यक्रम समाप्त हो गया, कुछ उन्होंने विश्राम किया और उसके बाद फिर शाम को राघव पंडित के घर में गए और वहाँ पर बहुत महान संकीर्तन आरंभ हुआ। भक्त सब नाचैया नित्यानंद राय, शेष नृत्य करे प्रेम जगत भाषाए। फिर नित्यानंद प्रभु ने जब कीर्तन आरंभ हुआ तो सभी भक्तों को उन्होंने नाचने के लिए प्रेरित किया। तो ये भी एक सीखने वाली चीज़ है कि जो वरिष्ठ गण होते हैं वो अन्यों को प्रेरित करते हैं नृत्य करने के लिए। और फिर अंत में नित्यानंद प्रभु ने खुद नृत्य आरंभ किया और उनका नृत्य इतना अद्भुत था कि उसको देखने के लिए चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए। राघवेर कृपा रघुनाथेर ऊपरे, दुई भाई रे अवशिष्ट पात्र दिला तारे। फिर कीर्तन के बाद राघव पंडित ने प्रसाद भोग अर्पण किया चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को। राघव पंडित, उनके यहाँ जो भी बनता था वो अमृत से भी अधिक मधुर होता था। वो राधा रानी स्वयं वहाँ करके रसोई करती थीं, है ना। राघवेरा झाली उनकी जो बहन थी, वो हर साल बंगाल में जो भक्त जाते थे पुरी रथ यात्रा पे, तो पूरे साल का सब आइटम चैतन्य महाप्रभु के लिए बैग भर भर के देती थी और पूरे साल चलता था वो। हमारे यहाँ भी कुछ हैं माताएं जो पूरा साल के भर भर के भक्तों को देते हैं। कहिला चैतन्य गोसाई करियाचेन भोजन, तान शेष पाइला तोमार खंडिल बंधन। और राघव पंडित ने कृपा की रघुनाथ दास के ऊपर, और वो जो अवशिष्ट थे वो राघव पंडित को दिए, रघुनाथ दास गोस्वामी को दिए। और उनसे कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने ये भोजन किया है, जो आपने ये सब कराया उसमें चैतन्य महाप्रभु ने भोजन किया है और आपको उसका सब अवशेष मिले हैं, इसलिए अब आपका जो बंधन है वो टूट जाएगा। ये जो संसार का बंधन है, आप जो कष्ट आपको मिल रहे हैं शरणागति प्राप्त करने में, वो सब बंधन कट जाएंगे। फिर अगले दिन सुबह प्रातः नित्यानंद प्रभु गंगा स्नान करिया, सही वृक्ष मूले वसीला निज गण लैया। फिर प्रातः काल में नित्यानंद प्रभु गंगा स्नान किए और वही वृक्ष के मूल पे जा कर के अपने संगियों के साथ में जाके बैठ गए। रघुनाथ आशी कैला चरण वंदन, राघव पंडित द्वारा कैला निवेदन। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर आए, नित्यानंद प्रभु के चरणों का वंदन किया और राघव पंडित के द्वारा उन्होंने एक निवेदन करवाया। तो जब बहुत वरिष्ठ होते हैं तो सीधे उनसे हम निवेदन भी हमें नहीं करना चाहिए, किसी के माध्यम से कराना चाहिए। ये सब वैष्णव सदाचार हैं। खुद आगे बढ़ बढ़ करके कोई अगर हम हमारे भी कोई हैं वरिष्ठ तो उनके माध्यम से, वो सही तरीका है, वो ज़्यादा प्रियकर है। तो उन्होंने राघव पंडित से निवेदन किया कि आप कृपया, मेरा ये निवेदन है, आप है ना उनके सम्मुख रखिए। यानी हमसे बड़े अगर कोई हैं और उनसे बड़े के हमें कुछ कहना है तो रीति है कि हम जो हमसे इमीडिएट है उनके माध्यम से चीज़ों को पहुंचाया जाए। तो क्या निवेदन किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने? अधम पामर मुईहीन जीवाधाम मोर इच्छा है पाइया चैतन्य चरण। मैं बहुत अधम हूँ, पामर हूँ, पापी हूँ, जीवाधम हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं चैतन्य के चरण को प्राप्त करूँ। तो ये बार बार चैतन्य चरितामृत से हम देखते हैं कि ये योग्यता है चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने की, कृष्ण चरण प्राप्त करने की, कि पहले हमें ये समझ आना चाहिए कि हम अत्यंत तुच्छ और दीन और पापी हैं। ये समझ में आना चाहिए, केवल बोलने की बात नहीं है, बल्कि ये समझ में आना चाहिए कि वास्तव में हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। हम भगवान से बहुत दूर हैं, कोई हमारे अंदर कृष्ण चेतना नहीं है। यही है कि हम बड़े दीन हैं। भले हमारे पास भौतिक दृष्टि से तथाकथित रूप से कुछ भी हो, लेकिन वो सब तो जहर के समान है। अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति कोई सेवा भावना नहीं है तो क्या फ़ायदा है उसका। तो इसलिए हम हमेशा दीन हैं। इस भौतिक जगत में हम हैं ही, मतलब बहुत पापी हैं। ये जगत पापी लोगों के लिए है। तो अपने को महान जो समझता है वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये आरंभ है, सबसे पहला योग्यता है कि हमें समझ में आना चाहिए कि हमारी स्थिति दयनीय है। वामन हय्य जैन चांद धरि बारे चाय अनेक जत्न कईनु ताते कभू सिद्ध नए। जैसे एक वामन, क्या बोलते हैं, बोना, वो चांद को पकड़ने की कोशिश करे, चाहे ऐसी मेरी स्थिति है कि मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मैं अयोग्य हूँ। तो इसलिए मैंने बहुत यत्न किए लेकिन मुझे उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। जत बार पलाइयामी गृहादि छाड़िया पिता माता दुई मोरे राखये बांधिया। जब जब मैंने भागने की कोशिश की घर से तो मेरे माता पिता दोनों ने मुझे पकड़ करके बांध के रख लिया। तुम्हार कृपा बिना केह चैतन्य न पाए तुम्ही कृपा कैले तारे अधमे ह पाए। आपकी कृपा के बिना कोई चैतन्य के चरणों को कैसे प्राप्त कर सकता है। आपकी कृपा होगी तो ये अधम उनके चरणों को प्राप्त कर पाएगा। तो परंपरा भगवान कृष्ण को हम सीधे प्राप्त करने का प्रयास नहीं करें, परंपरा से, परंपरा से, वही तरीका है ना। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। भगवान कहते हैं जो उद्धव को जो कहते हैं वो मेरे भक्त हैं, वास्तव में मेरे भक्त नहीं, जो मेरे भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्त हैं वो मेरे भक्त हैं। तो ये भगवान को प्रिय है। दासानु 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 दास का भाव होना भगवान को प्रिय है ना। डायरेक्ट सब साइड में हम आगे, वो भगवान को प्रिय नहीं है, इसलिए उसके द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। अयोग्य मुई निवेदन करिते करी भय मोरे चैतन्य देह गोसाई हय सदय। मैं इतना अयोग्य हूँ कि आपसे निवेदन करने ही मुझे भय लगता है, क्योंकि मैं जो मांग रहा हूँ वो तो अति श्रेष्ठ चीज़ है, मैं उसके लिए अयोग्य हूँ, इसलिए मुझे भय लग रहा है। ऐसी भावना होनी चाहिए कि वास्तव में जो हम मांगना चाह रहे हैं उसके लिए हम योग्य नहीं हैं। ऐसा नहीं मैं बहुत योग्य शिष्य हूँ, मैं योग्य भक्त हूँ, भगवान मैं तो इतनी अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, अभी भी आप इतना, अभी तक मुझे क्यों सिद्धि प्राप्त नहीं प्रदान नहीं किए, है ना। तो कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, ऐसा अगर विचार रहेगा हमारे मन में तो मेरी योग्यता नहीं है, इसलिए मुझे भय है निवेदन करने में भी, लेकिन इच्छा भी है, मैं क्या करूँ। तो इसलिए हे नित्यानंद गोसाई कृपया, आप कृपा करके मुझ पर दया कीजिए और मुझे चैतन्य महाप्रभु के चरण प्रदान कीजिए। मोर माथे पद धरी करह प्रसाद, निर्विघ्ने चैतन्य पाइया कर आशीर्वाद। इससे कृपा करके आप मेरे शीश के ऊपर अपना चरण रखिए प्रसाद रूप में, जिससे कि निर्विघ्न हो करके मैं चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। तो जो भी हमें प्राप्त होगा आशीर्वाद से ही हमारी प्रगति होगी। हमें आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद अपने बलबूते पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। शुनि हाशि कहे प्रभु सब भक्तगणे, इहार विषय सुख इंद्र सुख सम। सुन करके नित्यानंद प्रभु हंसते हुए अपने सभी संगियों से बोले, सुनो, ये रघुनाथ का जो विषय सुख है वो इंद्र के समान है। चैतन्य कृपा ते से हो नाही भाई मने, सबे ऐश्वर्यवा सबे आशीर्वाद कर पौक चैतन्य चरणे। लेकिन चैतन्य कृपा के कारण उसको ये सब नहीं भाता है, जो भी इसका इंद्र के समान ऐश्वर्य है। तो कृपा आप सभी लोग इसको आशीर्वाद दो कि ये चैतन्य के चरणों को प्राप्त करे। तो नित्यानंद प्रभु ने भी क्या सबका आशीर्वाद के लिए कहा, सब आशीर्वाद करो। तो हमें सबों की आशीर्वाद की ज़रूरत है, ऐसा नहीं बस मैं और मेरा गुरु, बाकी सब भक्त की मुझे आवश्यकता नहीं है। भक्त तो गुरु की महिमा तो हम जानते हैं, तो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको हमें प्रेम करना है। बाकी सबसे कुछ भी बोलें, द्वेष करें, ईर्ष्या करें, मारें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? गुरु तो प्रसन्न हो गए, काम हो गया। तो ऐसा नहीं है। सभी भक्तों का आशीर्वाद। अगर कोई भक्त हैं जो हमसे नाराज़ हैं हमारे धृष्टता के कारण, तो फिर चैतन्य भगवान जो हैं वो सब अकाउंट में लेते हैं। ऐसा नहीं कि बस आप एक को प्रसन्न कर देंगे। सभी भक्त, सभी जब प्रसन्न होंगे हृदय में, तब चैतन्य, तब भगवान प्रसन्न होंगे। कृष्ण पाद पद्म गंध यही जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाए। जिसको कृष्ण के पाद पद्म की गंध प्राप्त हो गई है, वो ब्रह्मलोक आदि का सुख भी उसको नहीं भाता है। तबे रघुनाथे प्रभु निकटे बोलाइला, तारे माथे पद धरी कहिते लागिला। फिर रघुनाथ को नित्यानंद प्रभु ने निकट बुलाया, उनके शीश के ऊपर अपने चरणों को रखते हुए इस प्रकार से बोले, तुम्ही जे कराइलाई पुलिन भोजन, तुम्हाए कृपा करी गौर कैलागमन। जो तुमने ये पुलिन भोजन कराया, नदी के तट पर जो ये भोजन कराया, तो चैतन्य महाप्रभु कृपा करके वहाँ पर उपस्थित हुए। तो माँ उद्धारिते गौरा आइला आपने, छुटीला तोमार जत विघ्नादि बंधने। तुम्हारा उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने आप वहाँ आए थे। अभी तुम्हारा बंधन सब खत्म हो गया, सब विघ्नादि सब खत्म हो गए। स्वरूपेर स्थाने तोमा करिबे समर्पणे, अंतरंग भृत्य बलि राखिबे चरणे। चैतन्य महाप्रभु तुम्हें स्वरूप दामोदर के हाथ सौंप देंगे और तुम उनके एक अंतरंग सेवक के रूप में तुम्हें अपने पास रखेंगे। तो नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया और बताया कि अभी तुम्हारे बंधन सब टूट गए। तो देखिए, ये चीज़ यहाँ पर हमें समझने की है कि अंत में हमारे जो भी भक्ति में विघ्न हैं वो सब भगवान की कृपा से ही छूटेंगे। हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं है इन विघ्नों से निकलने की, चाहे वो आंतरिक विघ्न हैं चाहे बाह्य विघ्न हैं। हमारा मन हमको परेशान करता है, ये तो सबके साथ है, ये बड़ा विघ्न तो सबके साथ है। किसी के माता पिता ऐसे होते हैं, किसी के आसानी से भेज भी देते हैं। हमारे यहाँ सब प्रकार के भक्त हैं, लेकिन ये वाला विघ्न तो सबके साथ में है। मन का विघ्न है ना, मन हमारा हमेशा बहुत दुष्ट, हमेशा उसके अंदर कोई रुचि नहीं है भगवान की सेवा करने की, और हमेशा भगवान के से दूर भोग करने की हमेशा मन में विचार आते रहते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ सबसे भरे हुए हमारा अंतःकरण, ये विघ्न हम सबके साथ में है। तो इन सब से भी निवारण अंततः गुरुजन और भगवान की कृपा से ही प्राप्त होगा। इसलिए ये हमेशा हमें याचना की हमारी वृत्ति रहनी चाहिए, प्रार्थना की वृत्ति रहनी चाहिए, हमारा मूड प्रार्थना का रहना चाहिए, हमेशा प्रार्थना का मूड रहना चाहिए कि उनकी कृपा होगी तभी हमारा ये मन ठीक होगा। ऐसा नहीं है मन हमारे हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कभी मन में बहुत एक इच्छाएँ उमड़ती रहती हैं, उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं, हम परेशान होते हैं क्या करें। और फिर अगर हम भक्ति करते रहते हैं, धीरे धीरे जत्न करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, तो ऐसा भी होता है फिर कि वो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ गए, सब छूमंतर गायब हो जाते हैं। फिर अचानक दोबारा कभी भी उदित भी हो सकते हैं। तो एक्सीडेंटल नहीं है ये सब, भगवान की शक्ति के द्वारा संपन्न होता है। भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान देखते हैं। और दूसरा हम क्या ढील कर रहे हैं, हम कहीं भी कुछ त्रुटि करते हैं, हम अगर कहीं अप्रसन्न करते हैं तो उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ता है ना। मन हमारा विचलित हो जाता है, कहीं ना कहीं माया हमको ऐसे अटैक करती है अगर हम कुछ गड़बड़ करते हैं तो उसी कारण ये सब होता है। तो कहीं ना कहीं हम कुछ गलती करते हैं तो हम इस प्रकार से परेशानी में पड़ते हैं। तो उसका उपाय यही है कि हम विचार करें क्या हमने गलती की है, उसको देखें, अगर समझ में आता है तो वो गलती का निवारण करें। हमने किसी का अपराध किया है तो जाकर के उनसे क्षमा याचना मांगें। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है तो ठीक है, कुछ होगा समझ में आने पर शायद पता चलेगा। तो प्रार्थना करें, हरे कृष्ण महामंत्र जप करें और उसके द्वारा प्रार्थना करें, रोएं हृदय से और ये प्रण लें कि आगे दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत गंभीरता से करेंगे। अगर कोई पता है कि हमने गलती की है तो उसको दोबारा प्रण लेना चाहिए कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान व्यक्ति हैं। आप ऐसे नहीं कि आप बाबा करते रहेंगे, भगवान बाबा आप पर कृपा करते रहेंगे, है ना। भगवान रुष्ट होते हैं, भगवान सिंसियरिटी चाहते हैं। अगर उनको लगेगा ये खेल कर रहा है मेरे साथ तो गेट आउट। तो ऐसा है, बहुत सेंसिटिव है, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है, बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि भगवान भगवान है। तो कोई ऐसे नहीं है कोई भी व्यक्ति की कभी भी जैसा हुआ बातचीत शुरू कर दी, संबंध बना लिया, फिर तोड़ दिया, फिर संबंध बना लिया, ऐसे नहीं है। तो बहुत ध्यानपूर्वक उनसे संबंध बनाना होगा, है ना, बहुत सेंसिटिवली डील करना है। और वो क्या करना है उसमें कोई डर की बात नहीं है, बस निष्कपटता होनी चाहिए और सेवा करने का प्रयास पूरा होना चाहिए। दैट्स सिंपल भी है। भगवान से संबंध बनाना किसी भी जगत के से संबंध व्यक्ति से संबंध बनाना ज़्यादा आसान भी है। अगर हम निष्कपट नहीं है तो बहुत आसान भी है, और अगर कपटी हैं तो असंभव है। थोड़ा सा भी अगर कपट है तो असंभव है। कपट मतलब यही चीज़, सेवा के अलावा कुछ और डिज़ायर है, उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, ये कपट। सेवा के साथ साथ कुछ और भोग भी कुछ साथ साथ करना चाहते हैं, उसको बनाए रखना चाहते हैं, उसको भोग छोड़ना नहीं चाहते उसको। निश्चिंतो हय्य याह आपन भवान अचिर निर्विघ्न पावे चैतन्य चरण। तुम निश्चिंत होकर के अपने घर जाओ और जल्दी ही निर्विघ्न तुमको चैतन्य चरण प्राप्त होंगे। सब भक्त द्वारे तारे आशीर्वाद कराइला, तान सवारे चरण रघुनाथ वंदिला। सभी के द्वारा उनको आशीर्वाद दिलवाया और रघुनाथ ने सबके चरणों का वंदन किया। तो चरण वंदन जितना हो, चरण वंदन अपने जो भी वरिष्ठ हैं उनका चरण वंदन, प्रार्थना, नमस्कार, ये भाव, ये एटीट्यूड होना चाहिए। प्रभु आज्ञलय्या वैष्णवेर आज्ञलय्या, राघव सहिते निभृते युक्ति करिला। फिर सभी से आज्ञा लेकर के राघव पंडित के साथ में उन्होंने विचार विमर्श किया। तो विचार विमर्श अग्रणियों से, गुरुजनों से विचार विमर्श क्या करना है, विचार करना चाहिए, विचार विमर्श करके कार्य करना चाहिए। क्या विचार विमर्श किया? युक्ति करी शतमुद्रा शोणा तोला साथे, निभृते दिला प्रभुरा भंडारी रहते। बातचीत करके उन्होंने 7 मोहरें और 7 तोला सोना ये नित्यानंद प्रभु के सेवक को चुपचाप नित्यानंद प्रभु को बिना बताए सेवक को दे दिया। तो यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर पाठ हम लोगों के लिए है कि वो धनी थे तो उन्होंने सेवा के लिए धन दिया। तो ये पूजा करने की विधि है, जो भी हमारे पास है उससे हमें सेवा करनी चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो है ही, लेकिन अगर पैसा है तो पैसा भी, क्योंकि अगर पैसा है और पैसा नहीं दे रहे हैं इसका मतलब हमारी सेवा वृत्ति नहीं है, उसे हम अपने भोग में लगाएंगे, फिर भोग में लगाने के लिए नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारी पूजा की भावना पूरी नहीं है, सस्ते में काम निपटाना चाह रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलता है, जो भी आपके पास है वो आपको भगवान की सेवा में लगाना होता है, जो भी है। ऐसे नहीं कुछ अपने मन से कुछ दे देंगे, है ना, वो है ना, जब वो आटा हवा में उड़ गया तो बोले गोविंद को समर्पित कर दिया, तो ऐसे सब नहीं चलता है। तो अगर धन है तो धन भगवान की सेवा में देना चाहिए। तो रघुनाथ दास को सब्सटेंशियल क्वालिटी क्वांटिटी में, कई बार धनी लोग क्या करते हैं, धनी भक्त और लोगों से तो ज़्यादा ही देते हैं वो लोग, है ना, क्योंकि उनके पास तो बहुत है। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, वो तो थोड़ा देंगे तो भी ज़्यादा दिखेगा, लेकिन भगवान देखते हैं कि रखा कितना अपने पास, दिया कितना, उससे ज़्यादा भगवान देखते हैं कितना अपने पास रखा वो देखते हैं भगवान, है ना, बहुत तेज हैं भगवान, है ना, क्योंकि उनको ये देखना है कि आपके हृदय में कपट तो नहीं है, वो यही देख रहे हैं हर समय, कपट तो नहीं है। तो इसलिए जो भी है, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलतुवा पदे नंद किशोर, जो भी हमारे पास है उसको सबको सेवा में लगाना चाहिए। शरीर है, हष्टपुष्ट शरीर है, सेवा नहीं करते शरीर से तो फिर वो भी कपट है। अगर शरीर में शक्ति है तो फिर लगाइए, है ना। तो ऐसे कुछ भी चीज़ है, जो भी है, बुद्धि है, बुद्धि लगाइए, जो भी है वो सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेवा में नहीं लग रहा मतलब माया की सेवा में लग रहा है, तो इसलिए जो भी है वो सेवा में लगना चाहिए। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी राघव पंडित को बोले, प्रभुरा संगे जत महांत भृत्य आश्रित जान पूजिते चाहिए आमी सबार चरण। तो उन्होंने कहा कि अभी जो भी नित्यानंद प्रभु के साथ और उनके संगी हैं उनकी मैं पूजा करना चाहता हूँ, उनके चरणों की वंदना करना चाहता हूँ। तो फिर राघव पंडित ने कहा ठीक है, तो आप जो भी समझ करके धनराशि आप मुझे दे दीजिए और मैं सबको बांटूंगा। तो ऐसे सबको जो भी नित्यानंद प्रभु के साथ में थे सबको भी उन्होंने पूजा हेतु, वंदना हेतु ये धनराशि दी। तो ये भी एक आचरण है कि ये वंदना का तरीका है, पूजन का तरीका है ना। तो नित्यानंद प्रभु हैं, उनके संगी हैं, सबको दिया। यथोचित नित्यानंद प्रभु को 7 तोला सोना दिया और बाकी को कुछ कुछ दिया उसके अनुसार। फिर घर पे अभी रघुनाथ दास गोस्वामी आ गए ताना, फिर घर पे आकर के अभी जो है वो घर के अंदर नहीं सोते थे, बाहर ही सोते थे, क्योंकि भागना था ना अभी, तो बाहर ही सोते थे चबूतरे पे। और फिर रात भर जाग करके सोचते रहते थे कैसे भागो, प्लान करते रहते थे। तो हमें प्लान भी करना होगा, है ना, भगवान तो कृपा करेंगे, हमारे हाथ में जो है वो हमें करना होगा, ठीक है, युक्ति हमें लगानी है क्या करना है, प्रार्थना करते हुए भगवान बुद्धि दीजिए कि हम कैसे आपकी शरण प्राप्त करें। ताना जागी रहे सब रक्षण गण पलायते करे ना नाना उपाय चिंतन। और वो सारे रक्षक गण भी जागे रहते थे, ठीक है, तो वो चिंतन करते रहते थे उपाय कैसे मैं भागूंगा यहाँ से। ऐ मत चिंतित दैव एक दिने बाहिरे देवी मंडपे करिया छेन शयने दंडचारी रात्रि जबे आछे अवशेष यदुनंदन आचार्य तवे करेला प्रवेश। तो ऐसे एक दिन वो रात में सोए हुए थे, मतलब रात में बाहर सो रहे थे चिंतन करते हुए, तो तभी जो है यदुनंदन आचार्य उनके जो पुजारी थे वो वहाँ पर आ गए। बहुत अमीर परिवार से थे, तो उनका मंदिर, उनके एक पुजारी, अपना मंदिर, पुजारी, ये सब थे। तो वो आ गए, तो उन्होंने रघुनाथ से कहा कि मेरा जो सेवक जो पूजा करता है नित्य, उनके घर में जो करता था, वो अचानक चला गया बिना बताए। अभी पूजा कौन करेगा भगवान की? तो जाकर के कुछ युक्ति करो, किसी को लेके आओ, किसी को कुछ दूसरा कुछ प्रबंध करो। तो रघुनाथ दास जो हैं बोले अच्छा चलो चलते हैं, कुछ ढूंढते हैं, बात करते हैं, किसी दूसरे से बात करते हैं, मेरा कोई है मैं इसको बोलता हूँ। फिर थोड़ा दूर गए, फिर यदुनंदन आचार्य को बोले आप ऐसा कीजिए, आप घर जाइए, मैं उसके घर जा कर के उसको मना के लेके आता हूँ। तो कई बार ऐसा झूठ भी बोलना पड़ता है ना। तो हालांकि वो यदुनंदन आचार्य उनके पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, लेकिन हायर कॉज के लिए कभी ऐसा करना पड़ता है। तो उन्होंने वहाँ पर हमारे यहाँ भी कुछ भक्त हैं बहुत एक्सपर्ट हैं झूठ बोलने में भागने के लिए। उन्होंने बोला, फिर वहाँ से वो भाग लिए। और मेन रास्ते से नहीं गए, क्योंकि उस समय सब बंगाल के भक्त लोग जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। तो उनको पता था अगर मैं इन लोगों के साथ मेन रास्ते से जाऊँगा तो सब बंगाल से भक्त जा रहे हैं, तो पिताजी के दिमाग में तुरंत यही आएगा कि ये इनके साथ ही गया होगा, तो पकड़ लेंगे। तो वो पीछे पीछे के छोटे छोटे रास्ते से गए। फिर अगले दिन पिताजी को सुबह पता चला रहे रघुनाथ तो ही नहीं, तो भाग गया। तो कोलाहल मच गया। तान पिता कहे गौडेरा सब भक्तगण प्रभु स्थाने नीला चल करिल गमन। पिताजी ने वही सोचा, ये सब बंगाल के भक्त लोग वहाँ गए हैं पुरी, वो उन्हीं के मिलने के लिए गया होगा उनके साथ। तो उन्होंने भेज दिया, लो जाके जाओ और वहाँ देखो उसको। सही संगे रघुनाथ गेला पलाइया दस जन यहाँ तारे आन धरिया। 10 लोगों को भेज दिया, जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। और एक चिट्ठी भेजी। शिवानंद सेन जो हैं वो सबको लेके जाते थे, तो शिवानंद सेन के लिए एक चिट्ठी भेजी अपने द्वार जो उसके सेवक थे उनके साथ। चिट्ठी में क्या लिखा था? शिवानंदे पत्री दिला विनय करिया आमार पुत्रेर तुमी दिवा बाहुडिया। कि मेरे बेटे को छोड़ दो आप तो शिवानंद सेन ने कहा कि भाई आपका लड़का यहाँ नहीं आया है, हो सकता है वो वहाँ पहुँच गया हो पुरी, तो मैं जाके देखता हूँ पुरी में, अगर चैतन्य महाप्रभु के पास होगा तो बताऊँगा आपको। फिर और पीछे से ये रघुनाथ दास जो हैं भाग रहे हैं, कहीं रात को रुकते हैं थोड़ी देर, खाने पीने का कुछ होश नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का चिंतन, मिलने की इच्छा इतनी तीव्र कि उनको कुछ खाने पीने का भूख भी नहीं लग रही है, चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं जल्दी से जल्दी। भक्षणापेक्षा नहीं समस्त दिवस गमन सुधा नहीं बाधे चैतन्य चरण प्राप्तिये मन। चैतन्य को प्राप्त करने का मन, उनका मन पूरा चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए उद्विग्न था, इसलिए भक्षण की अपेक्षा नहीं की, खाने पीने को मिले। दिन रात समस्त दिवस सारे दिन चलते रहते थे और उनको जो भूख है वो भी इनको बाधित नहीं करती थी। कभू चरवण कभू रंधन कभू दुग्धपान जबे जयी मिले ताहें राखे निज प्राण। कभी कुछ चबाते थे जो भी कुछ मिल गया, कभी बनाते भी थे कुछ, और कभी केवल दूध पीते थे। जैसा जब जहाँ मिले प्राण रक्षण के लिए केवल रख करके वैसे काम चलाते थे। 12 दिने चली गेला श्री पुरुषोत्तम पथे 3 दिन मात्र करेला भोजन। ऐसे 12 दिन तक लगातार चलते रहे और 12 दिन के बाद पुरुषोत्तम धाम पुरी पहुँचे और 12 दिन में केवल 3 दिन ही उन्होंने भोजन किया। स्वरूपादि सह गोसाई आछेन वसिया, हेन काले रघुनाथ मिलिला आशिया। और जब वो वहाँ पहुँचे तो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप आदि अपने नित्य संगियों के साथ में बैठे थे और वहाँ उस समय रघुनाथ वहाँ पहुँचे। आंगने ते दूरे रही करे न प्रणिपात, मुकुंद दत्त कहे आयला रघुनाथ। और दूर से ही उन्होंने प्रणिपात दंडवत प्रणाम किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने और मुकुंद दत्त ने कहा ये रघुनाथ आ गए। प्रभु कहे नाइशते नो धरिल चरण, उठी प्रभु कृपाए तान रे कैल लिंगन। तो चैतन्य महाप्रभु बोले आओ आओ रघुनाथ, और वो उनके चरण पकड़े और उन्होंने उनको उठा करके चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया। तो इस प्रकार अंततः चैतन्य महाप्रभु की शरण उनको प्राप्त हुई। चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर को सौंप दिया, इसलिए उनका एक नाम है स्वरूपे रघु, स्वरूप के रघु। तो इस प्रकार से ये बड़ा एक लीला है जिसमें हम देखते हैं कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी विघ्न को सबको काट पाए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, जो मिली नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो इस प्रकार हमारे जीवन में जो भी विघ्न हैं हमें प्रार्थना करनी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि ऐसा कोई विघ्न नहीं है जो हमें भगवान की सेवा से रोक सके, क्योंकि सभी विघ्न अंततः या तो माया है या तो भगवान की परीक्षा है। जो भी है सब भगवान के अंडर में ही, इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है इस संसार में जो भक्ति से हमें रोक सके, अगर हमारे अंदर प्रगाढ़ तीव्र इच्छा है सेवा करने की, तो कोई भी भौतिक परिस्थिति नहीं रोक सकती है। अप्रतिहता बाह्य रूप से भले ही विघ्न हो, लेकिन अंतःकरण में अगर हम प्रार्थना करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान हमें शक्ति प्रदान करेंगे, युक्ति प्रदान करेंगे, बुद्धि प्रदान करेंगे, जिससे या तो वो विघ्न खत्म हो जाए या तो उन विघ्नों के रहते हुए भी हम भक्ति कर पाएँ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अगर हम भगवान इस जीवन को अपना अंतिम जीवन बनाना चाहते हैं और पूर्ण कृष्ण प्रेम की अवस्था को जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं जब तक ये श्वास है, और इस प्रकार निष्कपटता और बहुत तीव्रता से भक्ति करते हैं, तो विघ्न आएंगे, परीक्षाएं होंगी, उसके लिए तैयार रहना है। ऐसा स्मूथ नहीं होने वाला कि सब ठीक 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 हमारी योजना के अनुसार चलेगा, ऐसा नहीं होगा। ना तो ये जगत उसके लिए बना है, ना तो हम इतने हम भी पतित हैं, हमारे शोधन के लिए ज़रूरी है इस प्रकार की सब मार्ग में बाधाएं। तो वो तो होगा ही, लेकिन हमें संकल्प लेना चाहिए, दृढ़ संकल्प कि चाहे कुछ भी हो जाए, मन परेशान कर रहा है, शरीर में बीमारियां हैं, सगे संबंधी परेशानी कर रहे हैं, अन्य कोई भी समस्या है, लेकिन हम भगवान का जो ये भक्ति का पथ है इसको नहीं छोड़ेंगे। जितना भी हमारे अंदर क्षमता है पूरी क्षमता से हम हमेशा भक्ति करते रहेंगे। ऐसा जब देखते हैं भगवान हमारा दृढ़ संकल्प, तो फिर भगवान कृपा करते हैं। तो यही हमसे वांछित है कि हम दृढ़ संकल्प लेकर के प्रयास अपने जारी रखें। तो रघुनाथ दास गोस्वामी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उनकी प्रकार की दृढ़ता प्राप्त हो। हरे कृष्णा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। छिड़ा दधि महोत्सव की जय। हरे कृष्णा। ओके, प्रश्न है? गाने सुनते हैं कि नित्यानंद को बहुत मजाक करते हैं अलग अलग, तो गंभीरता और मजाक दोनों साथ साथ कैसे होता है ऐसा? और फिर वो प्रजा को बताया जाता है कि अगर भक्ति के अलावा बात करेंगे तो प्रजा पर भी बदल सकता है, तो कैसे उसको देखा? सामान्य भक्ति क्योंकि आनंददायक है, इसलिए सामान्यतया भक्त का जो डिमेनर, जो उसका क्या बोलेंगे उसको, ओवरऑल मूड जो है वो तो एक चिंता रहित आनंदित, यही उसका एक ओवरऑल मूड होगा इन जनरल, क्योंकि भक्ति सुखम सुसुखम कर्तुम अव्ययम है, सुसुखम है। हाँ, ऐसे बीच बीच में क्षण आएंगे जब हम संघर्ष कर रहे हैं तो उस समय परेशानी होगी तो वो चेहरे पर भी झलकेंगी, ऐसे भी क्षण आएंगे, लेकिन अगर हम गंभीरता से भक्ति करेंगे तो ओवरऑल हम उनसे पार करते जाएंगे, ओवरऑल कॉन्फिडेंस आएगा हमारे अंदर और प्रसन्नचित्त हम रहेंगे, और उस भक्ति मत पथ पे तो जोवियल एक 26 गुणों में गुण भी है ना, ये क्या उसका संस्कृत मुझे ध्यान नहीं है, जोवियल इंग्लिश में। सो ऐसा तो सामान्य भक्त का स्वभाव होना चाहिए, और जो ये भी मजाक कौतुकी शब्द है, कौतुकी नित्यानंद प्रभु तो थोड़ा सा पर्सनैलिटी भी अलग अलग होती हैं, कुछ भक्त थोड़े जैसे नित्यानंद प्रभु हैं तो थोड़ा उनका स्वभाव मजाकिया है ज़्यादा, लेकिन वो जो भी मजाक करते हैं अपने अधिकार के, मतलब उनका तो भगवान है, तो अधिकार भी है हमारा क्या मजाक करनी है, किससे करनी है, कितनी करनी है, लेकिन वो जो भी मजाक भी होती है उसका परिप्रेक्ष्य हमेशा वो कृष्ण सेवा और यही रहता है ना। जैसे क्या उदाहरण है, अभी अद्वैता आचार्य और नित्यानंद प्रभु आपस में उनकी जो डीलिंग्स हैं वो बहुत मजाक वाली हैं, तो वो मजाक दोनों समकक्ष हैं, दोनों उस प्रकार से आपस में उनका वो प्रकार का व्यवहार है। तो अद्वैताचार्य कह रहे अरे सन्यासी हो तुम, क्या इतना खा रहे हो? वो कह रहे अरे मुझे भूखा रख दिया, क्या खिलाया नहीं कुछ। तो भी इसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस कहाँ है? तो हम कह सकते हैं ऐसे सम लाइट मोमेंट्स आर आल्सो देयर, रिलैक्स्ड मोमेंट्स, तो इस प्रकार का कुछ मजाक भी है। फिर वहाँ पर नित्यानंद प्रभु क्रोधित हो रहे हैं और फेंक रहे हैं अन्न, और अन्न का स्पर्श करते ही अद्वैताचार्य आनंदित हो रहे हैं। तो अभी वो वहाँ पर एक मजाक करने का एक अधिकार भी है, स्तर भी है ना। हम लोगों प्रसाद को ऐसे फेंकेंगे तो नरक चले जाएंगे। तो अधिकार का विचार भी है इसमें, इसलिए सामान्यतया एक ओवरऑल मूड जो है वो एक गंभीरता का है। हाँ, जहाँ पर मित्रगण हैं वहाँ पर कुछ रिलैक्स्ड मोमेंट्स भी हो सकते हैं। प्रजल्पा, ओवरऑल हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी चेतना जो है वो कहीं कृष्ण से दूर तो नहीं जा रही है। कई बार वही विषय कितनी मात्रा में हम करें बातचीत उसके ऊपर, वो सेवा के लिए भी हो सकता है या अनावश्यक भी हो सकता है, तो कई बार वो बाउंड्री बड़ी सटल होती है। जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे न्यूज़, तो न्यूज़ समाचार वो हम जान भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और वही चीज़ अनावश्यक भी हो सकती है। तो इसलिए जनरली आरंभिक स्थिति में जब हमारे अंदर भोगवृत्ति बहुत ज़्यादा है तब रिस्क बहुत ज़्यादा है कि हम कुछ भी ऐसी चीज़ करेंगे वो गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। लेकिन जो अधिक परिपक्व हो जाते हैं वो कोई भी जो चीज़ कर रहे हैं उसकी वो सीमा जो है वो भक्ति के अंदर ही रहती है। उनकी परिपक्वता के कारण वो उसको देख पाते हैं, लेकिन जो आरंभिक अवस्था में है उनके लिए कई बार ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए अच्छा है कि हम पहले तो सेवा भावना को प्रगाढ़ करें। वो जो अन्य कुछ भी पढ़ना है, मजाक भी करना है, उसको भी सोच समझ के हमारे जो गुरुजन हैं उनको देखते रहें कि वो प्रसन्न है हमारे से नहीं है, आर वी क्रॉसिंग द लिमिट्स। तो वो लिमिट क्रॉस नहीं करें, उसके लिए थोड़ा सचेत रहें कि कहीं लिमिट क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। और वो ऐसा ही होगा कि हम शुरू में हमारी लिमिट्स भी कम होंगी, हमें ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि हमारी अभी भोगवृत्ति बहुत है। थोड़ा सा भी जल्दी से तुरंत माया हमको किसी भी चीज़ में भोग में ले जाएगी, है ना। तो इसलिए ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे परिपक्व होते हैं भक्त, वैसे वो स्वाभाविक रूप से रिलैक्स होते हैं, हर चीज़ वो कृष्ण सेवा में ही करते हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा रिलैक्स हो सकते हैं, है ना। कोई भी हम नई चीज़ सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, पहले बड़े रिलैक्स नहीं होते ना, हर चीज़ बिल्कुल स्टिफ होती है। लेकिन एक बार जब हम जान जाते हैं तो फिर बातचीत करते हुए भी हम कार चला सकते हैं रिलैक्सड, सो लाइक दैट। फिर भी एक्सीडेंट नहीं होगा, और वो बहुत सावधान चला फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए आरंभिक अवस्था जो है वो हमारी ज़्यादा तो ट्रेंड होना चाहिए। तो इसलिए इन जनरल यस, गंभीरता का माहौल रहना चाहिए और कुछ रिलैक्सेशन, बट या तो वो हमारे जो वरिष्ठ हैं उनके उसमें हो, या तो फिर हमें थोड़ा परिपक्व तो हम देख सकते हैं कि हमारी चेतना कब डाउन जा रही है। तो दैट इज़ आउट ऑफ द लिमिट्स। मथुरा प्रभु मतलब ओवरऑल तो हमारा मूड यही है कि हम गुरु के माध्यम से भगवान को अप्रोच कर रहे हैं। ओवरऑल मूड तो वही है। गुरु के आदेश पे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। मूड वही है, इंडिपेंडेंट जाने का मूड नहीं है। तो वो इंटरनल मूड वही है, बाह्य रूप से वो हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन इंटरनल मूड वही है। जहाँ जहाँ वो प्रैक्टिकल है वहाँ वहाँ वैसा करना चाहिए। क्या आपको पता है वैष्णव सदाचार के अंतर्गत प्रसाद देने के बाद उनको माला और चंदन अर्पित करना चाहिए। लेकिन जो अभी हम लोग जैसे प्रोग्राम वगैरह में जाते हैं देखते हैं तो वहाँ तो प्रसाद शांत होता है। हाँ वो, हाँ ठीक है, वो एक अलग वो है। अगर केवल प्रसाद के लिए बुलाया गया है तो फिर पहले प्रसाद हो, बाद में फिर माला अर्पण हो। लेकिन ऐसे कार्यक्रम हैं, कीर्तन है पहले, तो कीर्तन में फिर माला अर्पण कर सकते हैं, फिर वो माला को उतार के रख सकते हैं प्रसाद उसके समय। और एक ये भी है, माला व्यक्ति खुद नहीं उतारे, जो गुरुजन है उनकी माला, ऐसा नहीं होना चाहिए गुरु खुद माला उतारते हैं, सेवक को आता है। करेक्ट, वो भी एक आचरण है। ऐसी बहुत सारी सूक्ष्मताएँ। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।